बहुत ही शानदार किसान यहाँ पे हमें मिले हैं। पहले भी चैनल पे इनकी वीडियो लगी है और दो वेराइटी खेत में इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। इसकी वीडियो बोर्ड गन्ने पौधा गन्ना का भी हमने लगाई है कभी, और आज हम पेटी गन्ने का प्रदर्शन आपको दिखाने जा रहे हैं। 0238 और 15023 दोनों वेराइटी बहुत ही शानदार खड़ी से बोल दें। सबसे बड़ी बात खुला खड़ा है और दोहरे पर जो हमारे जकोड़ा सा लिया वो इन्होंने थोड़ा सा बांधा। अब नाली कूद के किसान के दौरे चलते हैं और पूरी प्रॉपर जानकारी लेते हैं। नमस्कार दाऊ जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया दाऊ जी। एक बार परिचय और करा दो, कुछ लोग चैनल पर नए आए होंगे। मेरा नाम बाबू राम। थोड़ा तेज आवाज में। मेरा नाम बाबू राम। हाँ जी। गांव जंधेड़ी और जिला मुजफ्फरनगर होगा। मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ताऊ जी आपका हो गया 0238 क्वालिटी वाला सीड। भाइयों देखो, फिलहाल पानी इन्होंने लगा रखा है। ये देखो गन्ने का साइज कितना प्यारा बन के आया। बहुत बिल्कुल जैसा कभी शुरू में चला होगा, बिल्कुल ठीक ऐसा चल रहा है। एक समान गन्ने चल रहे हैं, फुल लेंथ के गन्ने हैं। और ऊपर तो देखो मोटाई कितनी है, सबसे बड़ी बात है। और खुला खड़ा है, दोहरे पे तो दो चार मेढ़े तिरछे हुए थे तो आपने बांध रखे नहीं। ओवरऑल खुला खड़ा आपका गन्ना। तो ताऊ जी कब कटा था ये? ये उसमें कटा था अप्रैल के आखिर में। अप्रैल के आखिर पोगे छोड़े थे? पोगे छोड़े थे। पोगे छोड़े थे आपने, तो कोई समस्या किसी तरह की आई उसमें? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं आई। सुनो तो बताओ, लोगों के जैसे ईंक जा पड़े, भिड़े तिरछे बंके सारे हो गए, इसमें जैसा और से तो फालतू साइज है, क्योंकि आसपास में जैसे मैंने देखा इस तरह गदर खेत तो कहीं भी नहीं है। अभी फिलहाल है ही नहीं, कहीं ऑन रोड तो कहीं देखने में आ नहीं रहा। और उस इतना सब कुछ होने के बाद भी ये खेत जरा सा जगोड़ा तिरछा बंका कुछ हुआ ही नहीं। दोहरा दोहरा हुआ, बहुत कम, बहुत कम हुआ। वो तो आपने तो हवा पास नहीं हुई अभी। हवा पास अगर इस गन्ने में भाई आप चाहो तो 8 फुट पे 9 फुट पे आप आराम से जुड़ा मार लोगे, इतनी हाइट गन्ने की है फिलहाल। तो इतना क्वालिटी वाला सीड बनाया या मतलब किस तरह से करी व्यवस्था आपने इसकी? बस मतलब ये देखभाल करी, इसमें स्प्रे स्प्रे मारते रहे। अच्छा, पहले बोर्ड का बताओ, बोर्ड का क्या निकाला है? 70 निकला था, 17 अप्रैल को। अच्छा 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 अच्छा, चलो 70 भी जुनाल का मान लो आप एक तरह से। 17 अप्रैल को हुआ था। 17 अप्रैल को हुआ था, फिर भी बहुत शानदार है। 70 की फिगर को छोटी मोटी नहीं होती। तो इस बार कुछ मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा है, कम है, ज्यादा आपने क्या लग रहा आपके हिसाब से? नहीं, इस बार गन्ना कुछ ज्यादा सुधरा हुआ लग रहा, क्योंकि पोक गए थे तो गन्ना बहुत मोटा बन रहा, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला। हमने इसमें स्प्रे ज्यादा किया एनपीके वगैरह का जी, 12-32-16 जी और 19-19-12-61 इनका स्प्रे ज्यादा किया। इनका ज्यादा किया। पोटास वगैरह भी अलग से कुछ दी? पोटास यूरिया के साथ में लगा दिया नीचे। हाँ, दो बार। और ट्रीटमेंट कहीं से करा, कोई रोग वगैरह पुक्का वही टॉप बोर इस तरह के लिए? तो हमने मतलब उसमें एक तो डाल लेते एजो डेजो डाल ली जी, और ये उसके लिए डाल ली है कीटनाशक के लिए। एम डाली थी? नहीं नहीं है तो क्लोरोसाइपर एम स्टार्टोप फंगीसाइड है तो ध्यान दे पा नहीं रहा। चलो याद आएगा जब बता दी मुझे। आप भाइयों गन्ना देखो कितनी सुपर लेंथ का गन्ना ये है। ये देखो कितना चंगी जहाज खेत खड़ा है। गन्ने की लंबाई देखो ताऊ जी, आइए इधर आओ, इधर से घुसेंगे इधर तो पानी वानी भर रहा मेरे ख्याल से। ये देखो भाइयों कितनी अच्छी लेंथ है। ये गन्ना सूखा सा दिख रहा है, ये तो टूट रहा है गन्ना तो। बाकी खेत सुरक्षित है, कोई रेड रोड वगैरह इस तरह की कोई चीज मेरे ख्याल से अभी तो एरिया में है नहीं कहीं पे भी। तो आपको पता होगा। नहीं है, मैं तो घूम रहा हूँ अभी, देखने में नहीं आ रही। अब अंदर की तरफ थोड़ा सा अगर हम दिखा, मैं अब इधर को आ जाओ। ये देखो भाइयों यहाँ पानी भर रहा है, इंगे पानी भर रहा है, इधर आ जाओ। गारा हो रहा भाइयों पर फिर भी तारे लिए हम कोशिश कर रहे। देखो ये दो चार मेड़े इन्होंने बांध रखे, बाकी सारा गन्ना जो है खुला खड़ा है इनका। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित खड़ा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। और सीड की अगर बात करूँ, सीड भी एक नंबर का सीड है, रोग विकार वगैरह कुछ नहीं है, एक समान चल रहा। अब के तो मुड़े भी मेरे ख्याल से ऊपर ही जा रहे इसके, बराबर चल रहे। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, अब 23 पर फोकस करते हैं भाइयों। 23 भी दिखाओ जी। देखो 38 में तो खास खूबी थी, 38 तो रुक जा, 38 तो रुक जा के जो है खुला। देखो जकोड़ा सा थोड़ा ले रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ये हल्का सा जकोड़ा तिरछा सा हो रहा। बाकी गन्ना रुक रहा है, गिरा नहीं। जब ज्यादा भीड़ा गन्ना हो तो तब भी गिरना भारी हो जाए, ऐसा ही है क्या जी? हाँ नहीं हो तो जहाँ मिट्टी बहुत चढ़ा रखी है, मिट्टी चढ़ाई थी बाद में। अच्छा रेटून चलाया था ना? नहीं रेटून तो चलाया नहीं आपने। अब देखो तो पत्ती में मिट्टी कैसे चढ़ाई क्यों जी? हाँ, गल गई थी। गल गई थी। गलने के बाद में चढ़ाई
तो कोई खुराक लगाई थी नीचे फिर डाई भाई कुछ? नहीं, इसमें नहीं लगी डाई, कुछ नहीं लगी पहले का। 23 काकू जी, यूरिया भी चला पोटाश। अच्छा 23 काकू है, 23 तो चलो देखते हैं, 23 भी देखे क्या परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, क्या नहीं कर रहा। 38 तो रुक जा, मान गए 38 तो रुक जा, एक आधा मेड़ा इनका गिर भी रहा, बाकी ओवरऑल खड़ा है। अब एक महीने में करीब करीब मान लो मील चल जाएगा तो कोई समस्या नहीं आवे। ये होगा जी 23, तो 23 नहीं रुका जी खुला, ये तो 23 है भाई, ये देखो 23 तो जा पड़ा, ये दरासा ही हो गया लूट गया कुल मिला गया। और कैरेक्टर में इसका दिखा दूँ, देखो भाइयों 23 है, अच्छे से बिछाड़ लो, 23 करना है, 23 को बिना बंदे आप रोक नहीं सकते। आपको क्या लगा था खुला रुक जाएगा अभी? हाँ बस बांधा रहो, कह तो आप बांध बांध नहीं सकते। और देखो बराबर में 38 कड़ा है, 38 रुक गया मगर ये नहीं रुका, क्योंकि 38 में थोड़ी हार्डनेस 23 के मुकाबले ज़्यादा है, टफनेस है। और जो बाहर जो तो 23 में बदला ही हमेशा सुनिश्चित कर लेगा, 23 को ही गन्ना बो रहा है। तो आपने निश्चित तौर पे आपको 23 को बधाई देनी पड़ेगी, कहीं कहीं बधाई देनी पड़ेगी। बंधवा रखा हो तो शायद नहीं, अभी बंधवाया, हवा चली पर बिल्कुल नहीं। कब की बुआई थी वो? 15 मार्च की, 15 मार्च की बुआई है। चलो उसे भी देखेंगे अब हम। तो भाइयों जैसा था आपके सामने हमने रख दिया खेत, बड़ा ही शानदार है, इससे गदर खेत नहीं खड़ा इधर कहीं भी। और ये मान लो बस ये फिगर भी बहुत अच्छी खासी देगा, पिछले साल से तो कहीं ज्यादा देगा। आशा करता हूँ भाइयों वीडियो आपको जो पसंद है करके लाइक करियो, हमारा फेसबुक चैनल फॉलो करियो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। नमस्कार भाई।